नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन। चैनपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं प्रखंड प्रशासन चैनपुर के संयुक्त तत्वावधान में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कौशल विकास भवन चैनपुर में रविवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा ने मौजूद लोगों से कहा कि डायन बिसाही एक अंधविश्वास पर जोर देते हुए बताया कि गुमला जिला डायन बिसाही के इस अभिशाप की जकड़ में है। इस अभिशाप से बचने की जरूरत है। ज्यादातर केस जमीन से संबंधित होती है। लोग लांछन लगाकर डायन बिसाही का नाम दे देते हैं और षड्यंत्र में फंसा कर हत्या कर देते हैं। आज के परिवेश में इसे हम जमीन और डायन को एक दूसरे का पूरक भी कर सकते हैं। वही मौजूद जेएम प्रथम क्लास गुमला जया सुमिता कुजूर ने अपने संबोधन में कहा कि इस शिविर के माध्यम से बड़ी समस्याओं में से एक कानूनी लड़ाइयां व कानूनी पचड़ा को सरल बनाने का ही मुख्य उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण का शिविर लगाना है। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित लोगों के बीच धोती साड़ी, जॉब कार्ड, अबुआ आवास योजना, केसीसी लोन के साथ कई तरह की संपत्ति का वितरण भी किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से वकील प्रदीप कुमार पांडेय, पीएलबी चैनपुर विष्णु रौतिया, बीपीआरओ संदीप टेटे, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कांति कुमारी सहित सभी पंचायतों के पंचायत सेवक व जन सेवक, वार्ड सदस्य, प्रखंड कर्मी के अलावे कई लोग मौजूद थे। इंडिया न्यूज 28 के लिए निखिल सिंह की रिपोर्ट।